तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं वीबीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग और हम एक्सेल के लिए वीबीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं। उससे पहले हम सीखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। आपने प्रोग्रामिंग करते समय या कहीं और भी देखा होगा कि वीबीए का यूज जो है काफी ज्यादा होता है और वीबीए के यूज में आपने देखा होगा कि कई बार डिम आर एज ए इंटीजर आर एज ए रेंज होता है और ये वेरिएबल्स नॉट एक्सेल आपके जितने भी प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर्स है जैसे कि आप वीवी ले लीजिए, वीवी डॉट नेट ले लीजिए, आप जावा ले लीजिए, सी ले लीजिए, पैथ ले लीजिए, हर हर एक में आपका जो है वेरिएबल्स तो होता ही है। तो चलिए हम वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट एक देता हूँ छोटा सा। अब जानते हैं कि वेरिएबल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अगर सिंपल और सीधा बोलूँ तो वेरिएबल का यूज होता है टेम्परली सेविंग लोकेशंस। जैसे कि हमने बोल दिया 2+30, 20+30 आपको यहाँ दिख रहा है, तो 20+30 का रिजल्ट 50 आएगा। अब इस 50 को स्टोर कहाँ करेंगे? कैलकुलेटर में यार इक्वल दबाते हैं ना सर, तो स्टोर कहां होगा? तो उसके लिए हमें ख्याल देना पड़ेगा रेंज a1.value इज इक्वल टू 20+30। ओके सर, a1.value इक्वल टू 20+30, तो इसके ऊपर 50 स्टोर हो जाएगा। अब पुष्पिंदर जी, इसको तो हमेशा होल्ड करना पड़ेगा ना, हमें A1 को हमेशा होल्ड रखना पड़ेगा, ब्लैंक रखना पड़ेगा। तो हम ऐसा चाहते हैं कि यार एक्सेल सीट को हम इन्वॉल्व ना करें और हमारा कैलकुलेशन हो जाए। एक्सेल सीट को हम इन्वॉल्व ना करें और हमारा कैलकुलेशन हो जाए, तो उस केस में यहां लिखेंगे डिम आर एज ए रेंज। ओके, डिम आर एज ए, मैं माफ कीजिएगा, गलत ट्रैक पे चला गया है। तो यहां पर मैं करूंगा आर इक्वल टू 20+30, 20+30 तो 50 होगा और रिजल्ट हो जाएगा जहां भी आपको चाहिए। से मुझे चाहिए मैसेज बॉक्स में MSG बॉक्स और हम यहां पे आर करते हैं। तो वेरिएबल्स का यूज होता है टेम्पररी सेविंग लोकेशंस में। जी समझ गया? यस सर। हम डिफाइन क्यों, जैसे आपने देखा कि हमने r इक्वल टू 20+30 कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम डिफाइन क्यों करेंगे, हम डिफाइन क्यों करेंगे? क्योंकि बहुत सारे जो डिफाइन करते हैं ना, डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो डिफाइन करते हैं कास्टिंग के लिए। जैसे कि मैंने कर दिया कि dim r as a integer, तो क्या होगा, अब यहां पे आप देखेंगे तो आपको यहां पे 50 आ रहा है, पॉइंट्स में नहीं आ रहा है। पॉइंट्स में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने इसकी कास्टिंग को इंटीजर कर रखा है। हमने कास्टिंग को क्या कर रखा है? डेटा टाइप हमने दूसरा इंटीजर, तो ये कन्वर्ट कर देता है। तो कन्वर्जेंस करेंगे, आप ऐसा ना करेंगे फिर आपको डेसिमल्स को रिमूव करने के लिए राउंड का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो यहां पर राउंड का फॉर्मूला में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे मान लीजिए कि डेट में वगैरह को कन्वर्ट ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर? Yes. तो कन्वर्जेंस के लिए हमें जरूरत पड़ती है। इसमें कोई डाउट सर? नहीं सर। अब बात करते हैं कि और कहां कहां यूज होता है इसका। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे यहां पे हमारा क्वार्टर वन है और यहाँ पे हमारा क्वार्टर टू है, 30% है यहाँ पे, 30 है, मुझे यहाँ पे ग्रोथ निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि सम आर, अब लिखूंगा कि डिम
r as a integer part one कर देता हूँ part one यहाँ पे एक साथ हम दो भी define कर सकते हैं part two and यहाँ पे एक सेम कास्ट के कितने भी वेरिएबल है आप कॉमा कॉमा करके डिफाइन कर सकते हैं लेकिन डिफरेंट कास्ट हो डिफरेंट टाइप्स हो तो यहां पे आपको देना पड़ेगा इसे मैं चाहता हूं ग्रोथ जिया एज ए डबल तो अलग लिखना पड़ेगा ठीक है सर अब यहां पे मैं ये तो हमने स्टोर कर दी ये तो हमने असाइन कर दिया मतलब कि हमने अपने इसमें अब इसमें बात आती है कि डिम क्या यूज होता है डिम क्या इंडिकेट करता है यहां पे डिम्पल होता है डायमेंशन ठीक है मतलब कि हार्ड डिस्क के किसी डायमेंशन में एक 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 लोकेशन क्रिएट होगा जिसका नाम होगा Q1 Q2 और जिसकी कास्टिंग मतलब कि वो जो है इंटीजर टाइप को डेटा को स्टोर करेगा ओके यस सर तो यहां पे हम लिखते हैं Q1 is equal to range A1 dot value Q2 equal to range B2 होगा और मार्क के ऊपर भी 2 होगा dot value तो A2 B2 और अब यहां पे करते हैं कि जी आर इक्वल टू यहां पे ग्रोथ का होता है कि ग्रेटेस्ट लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट और फिर रेंज E2 dot value is equal to dia तो ये हमने बना दिया एक नाम के दो माइक्रो नहीं हो सकते रिजल्ट आ गया इसको हम इस तरह से ही बना सकते हैं ठीक है हम यहां पे इसको जरूरी नहीं है कि हम वेरिएबल डिफाइन करें यहां पे हम ये बता रहा कि हमारा वेरिएबल डिफाइन करने का मकसद क्या होता है कितने तरह के मकसद होते हैं ये बता रहा हूं ठीक है तो ये होगा कि रेंज C2 डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्रैकेट B2 माइनस डिवाइड बाय A2 अब देखिए क्या है और इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि चलो अभी तो जस्ट एक कैलकुलेशन थी तो आप कर ली लेकिन आगे चल के ऐसे बड़े बड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशन होंगे जिसमें 5-7 लाइन का होगा 20 लाइन का होगा 25 लाइन का होगा तो वहां पे बार बार रेंज और ये तो आपका चलिए रेंज ही है रेंज A2 है लेकिन ये हो सकता है किसी और फाइल का तो वर्कबुक्स डॉट शीट्स डॉट रेंज क्या काफी ज्यादा दिक्कत होगा ना सर इसमें इसमें वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा सर तो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन करने में इजी हो और हम इजीली समझ सके अभी चलिए ये वाला इनपुट अगर रेंज से आ रहा है तो ठीक है लेकिन अगर मान लीजिए ये इनपुट बॉक्स से आता तो मुझे जहां जहां क्वार्टर वन है वहां वहां इनपुट लगाना पड़ता इनपुट बॉक्स लगाना तो वेरिएबल्स का यूज इसलिए भी होता है कि हमें अगर एक कहीं से एक इनपुट लेके कई सारे जगहों पे यूज करना है तो बार बार हमें इनपुट लेने की जरूरत ना पड़ेगी समझे हम एक बार इनपुट लेंगे वो इनपुट स्टोर हो जाएगा एक वेरिएबल पे और उसके बाद उसको जहां यूज करना है वहां हम यूज कर सकते हैं समझ गए हाँ जी सर फिर आप नहीं सर
अब जानते हैं, अब आप पता करते हैं कि वेरिएबल्स आखिर होते कितने प्रकार के हैं। तो वेरिएबल स्टार्ट होता है बाइट से, कि dim v as a byte, उसके बाद dim i as a integer, abcd कुछ भी रह सकते हैं, इसमें नाम को दिक्कत नहीं है। dl as a dim l as a long, dim d as a double, dim dt as a day, dim s as a string, dim mostly इस तरह टाइप के वेरिएबल्स हम यूज करते हैं डेटा टाइप। देखिए वेरिएबल तीन तरह का होता है, डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट टाइप एंड प्रोसेसिंग टाइप, ठीक है ना जी। तो यहां पे आपका b एज ए बाइट मतलब कि हम b के ऊपर 0 से लेके 255 कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। i के ऊपर हम माइनस 32,000 से 32,000 समथिंग होता है, प्लस 32,000 समथिंग डाल सकते। उसके बाद आप bl के ऊपर ट्रू एंड फॉल्स ही डाल सकते हो, bl लॉजिकल होता है, बोलिए समझे। लॉन्ग के ऊपर आप करोड़ों में डाल सकते, बट लॉन्ग बाय इंटीजर किसी भी डेसिमल प्लेसेस को कंसीडर नहीं करता है, नहीं करते हैं, डेसिमल प्लेसेस को कंसीडर नहीं करता है। बाइट आपका माइनस को कंसीडर नहीं करता है, माइनस में है तो बाइट पे आप नहीं डालेंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ज्यादातर लोग डबल ही लेते हैं। हाँ, डबल का यूज होता है, सबसे ज्यादा नंबर स्टोर होता है और इस पे डेसिमल भी डाल सकते हैं। डीटी के अंदर हम डेट या टाइम डालते हैं, ठीक है, डालेंगे तो कन्वर्ट कर लेगा। वेरिएंट में किसी भी तरह का, जैसे s इक्वल टू किसी भी तरह का आप नंबर डाल सकते हैं इन द इन्वर्टेड कॉमा, इसको बोलते हैं नॉन कैलकुलेटिव नंबर, चाहे नंबर हो, टेक्स्ट हो, चाहे कुछ भी हो, बट इस पे कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। और वेरिएंट होता है कि ये ऑल वैल्यू कहलाता है, इस पे आप नंबर डालेंगे, छोटा नंबर होगा तो बाइट बन जाएगा, अदरवाइज ये इंटीजर, बड़ा नंबर होगा तो इंटीजर बन जाएगा, उससे बड़ा होगा तो लॉन्ग बन जाएगा, डेसिमल में होगा तो डेसिमल बन जाएगा, टेक्स्ट होगा टेक्स्ट में होगा, डेट होगा डेट बन जाएगा। जब आपको पता नहीं है कि यूजर इनपुट क्या दे सकता है तो आप वेरिएंट लेते हैं, ठीक है सर। ठीक है सर, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब मेरे पास सब कुछ है तो मैं खामोखा इसका यूज क्यों करूं, क्या सर? ये सर तो डेटा टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए तो वो यूज करना पड़ेगा। नहीं, डेटा टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं सर, सबसे मेन रीजन इसके स्टोरेज, स्टोरेज स्टोरेज कन्वर्जन, स्टोरेज एंड कन्वर्जन जी। देखिए हर आप, जैसे कि अगर आप बाइट लेते हैं तो ये आपके सिस्टम के मेमोरी में 250 सॉरी एक बाइट का, टू बाइट का सबसे कम होता है, टू बाइट का स्टोर क्रिएट करता है, इंटीजर 4 का करता है, फुलेन आई थिंक 4 या 2 का करता है, डबल 8 या 16 का करता है, लॉन्ग उससे ज्यादा माने इससे इंटीजर से ज्यादा करता है, लेकिन सबसे ज्यादा वेरिएंट करता है, वेरिएंट करता है 16 या 32 बाइट्स करता है। तो 16 कैसे करता है सर? हां 16 मिनिमम होता है, फिर अकॉर्डिंग द डेटा वो अपना बढ़ा लेता है। अच्छा समझ गया। Yes. अब बोलोगे सर क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास तो 1 TB 2 TB टाइप का डेटा, 1 TB 2 TB का हार्ड डिस्क है, 8 GB का मेमोरी है, तो बाइट में है सर। तो एक प्रोसीजर का जैसे सब है इसका एक ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, स्टोरेज लिमिटेशन होता है कि वो एक माइक्रो की साइज 255 कैरेक्टर से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो जब आप बड़े बड़े रिपोर्ट ऑटोमेशन कर रहे हैं, बड़े बड़े माइक्रो बना रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना होगा कि हम ज्यादा वेरिएंट यूज ना करें।
दूसरा मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई माइनर से एंट्री ना कर सके, मान लीजिए कि आप किसी से मान लीजिए कि एक मान लीजिए कि 100 100 200 तक का नंबर आप लेते हैं, ठीक है ना, आप चाहते हैं कि कोई माइनस में ना डाल सके, तो आप बाइट दे दीजिए क्योंकि बाइट माइनस एक्सेप्ट नहीं करता है। क्या? हाँ जी सर, ठीक। तो उस तरह से कन्वर्जेंस के लिए भी हम इसका डिफाइन करते हैं, क्योंकि वेरिएंट में तो जो डालेगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा, सब कुछ ले लेगा। हाँ। तो कन्वर्जेंस सीरीज का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो है हमारा डेटा स्टोरेज है, समझ गए ना, ये डेटा स्टोर करता है। इसके अलावा दूसरा आता है ऑब्जेक्ट टाइप, मतलब कि आप ऑब्जेक्ट को भी बना सकते हो, जैसे कि मैं यहां कर सकता हूं कि डिम आर एज ए रेंज। अब मुझे आगे जहां भी आर रेंज यूज करना है यहां पे सेट करना होगा कि सेट, यहां पे देखिए याद रखिएगा, हमें जब ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं तो हमें सेट सेट आर तो करना पड़ता है, रेंज A1 डॉट करेंट रीजन। अब मुझे जहां जहां रेंज A1 करेंट रीजन में चाहिए वहां पे आर डॉट कॉपी आर डॉट पेस्ट पूरा कर सकते हैं, ठीक है जी। वैसे आप डिम वर्कबुक वर्कशीट सब पे यूज कर सकते हो। उसके बाद इसमें मान लीजिए कुछ एक्सटर्नल होगा, तो जैसे आप यहां पे कर सकते हैं कि डिम ओ एज ए आउटलुक, वो तो उसमें जाकर रेफरेंस में रेफरेंस में टूल में रेफरेंस कर, टूल में रेफरेंस में जाकर सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो एज कर सकते, सेलेक्ट करना पड़ेगा टूल में रेफरेंस सेलेक्ट नहीं, ऐसा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं। हां ओ एज ए ऑब्जेक्ट कर सकते, ऑब्जेक्ट डिफाइन, ये सब तो सही है, तो ये तो जरूरी है। ये आपको क्लियर ऑब्जेक्ट देना पड़ता है, जैसे जी सेट ओ इक्वल टू करूंगा क्रिएट ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे जो एप्लीकेशन है आउट है वो आउटलुक है वर्कबुक है आउटलुक डॉट एप्लीकेशन, ये आगे डेटा कनेक्टिविटी में आपको पूरी तरह से सिखाऊंगा मैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा इसमें आता है आपका प्रोसेसिंग, जैसे कि मैं यहां पे कर देता हूं कि सेट डब्लू इक्वल टू सीट सीट्स डैट एड, क्या देते हैं विथ डब्लू डॉट नेम, यहां पे डॉट टायर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड, समझे, यहां पे फिर एंड ऐसे आप क्वेश्चन दे सकते हैं कि सेट सीआर इक्वल टू वर्क बुक्स डॉट एड, और फिर यहां पे विथ सीआर डॉट सेव एज, समझ गए सर? यस सर। तो इस तरह का प्रोसेसिंग भी आप दे सकते हैं। यस सर, एक ही चीज पे अगर सेम ऑब्जेक्ट पर काम करना है तो विथ लगाते हैं, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, टाइम से तो, हाँ विथ तो है ही सर, वो तो पता ही आपको, विथ नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए वर्कबुक ऐड करना है और उसके वर्कबुक ऐड करने के बाद उसका नेम देना है उसका और बहुत सारी चीजें देनी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ऐड होने के बाद या सीट ऐड होने के बाद फाइल वगैरह या एक्टिवेशन वगैरह में दिक्कत हो सकती है, तो आप एक फाइट कर लो कि भाई डब्ल्यू का काम है वर्कबुक को सीट ऐड करना और सीट ऐड करने के साथ उसके ऐड की गई सीट पे ये सारी चीज करनी है जी, ऐड की गई फाइल पर सेव एज करना है, उसका हाइड एंड हाइड करना है और भी बहुत सारी चीजें प्रॉपर्टी नेम प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन सब करना है, तो आप ये ले सकते हैं। तो इस सब प्रोसीजर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो डेटा टाइप तीन तरह का होता है, डेटा जो कि एक डेटा स्टोर करता है, ऑब्जेक्ट जो कि एक लोकेशन या एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है, और एक प्रोसेस टाइप जो कि एक प्रोसेस को मतलब कि एक इवेंट को स्टोर करता है। समझ गए जी। अब इसमें अगला आता है डेटा टाइप्स में एरे डेटा टाइप्स।
हालांकि एरे को आगे जाकर हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एरे में हम बात करते समझा देते एरे क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ही कास्ट के हजार वैल्यू को स्टोर करना है, पांच ही मान लीजिए, हजार छोड़िए, पांच को स्टोर करना है, मतलब मुझे पांच डेटा इनपुट लेना है, तो आप यहाँ पे लिखना होगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ एज ए इंटीजर। फिर आप लिखोगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या जी इक्वल टू, तो इसमें ऑटोमेशन तो नहीं हो सकता ना सर? नहीं, मुझे पांच इनपुट लेने हैं तो मैं यहां पे सीधे लगा सकता हूं लूप की फोर आई इक्वल टू यहां सॉरी यहां पे ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा कि डिम डीटी या डेटा कर लीजिए कि डेटा, और हमने बोल दिया कि मुझे 1 to 20 चाहिए चाहिए जी ऐसे इंटीजर, नहीं डिफाइन करोगे वेरिएंट हो जाता है। और फिर मैं यहां पे लिखूंगा कि फोर I इक्वल टू चले 1 to 20 और फिर इसमें लिख देंगे यहां पे कि डेटा इज इक्वल टू अपना जो वैल्यू है इनपुट बॉक्स है किसी रेंज लेना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा, जैसे कि आपने यहां पे डेटा और I 1 कर दिया तो ये अपने बैकएंड में एक टेबल बना लेगा, समझ गए ना, ये बैकएंड में एक टेबल बना लेगा। सर ये तो जीरो से स्टार्ट होगा ना, ऑप्शन बेस्ड देंगे तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फाउंडेशन नहीं होता है कि जीरो से ही करना है। अच्छा अच्छा ठीक है ना जी, इस तरह से यहां पे मैं 20 30 इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं, स्टोर कर देगा, लिस्ट बना लेगा, लिस्ट बना लेगा एक टेबल की तरह, शीट की तरह। इसमें आप अभी तो क्या है, आपका सिंगल डायमेंशन एरर है, एरे है, मल्टी डायमेंशन एरे भी कर सकते हैं भाई कि मुझे चाहिए 1 to 5। अब क्या होगा कि ये मल्टी डायमेंशन एरे हो गया सर, ये एक टेबल बना लेगा जिसकी जिसके अंदर में 20 रो और 5 कॉलम होंगे, समझ गए, आर्गन स्टाइल से फिर एंट्री की जाएगी। तो जैसे कि आपको एक पूरा का पूरा सीट को आपको मैसेज बॉक्स में या फिर लिस्ट बॉक्स में अगर डालना है तो वहां आप इस तरह के एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है सर, नेक्स्ट बैच के टाइम